दिल्ली हाई कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। तेजस्वी यादव की अर्जी पर आज अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने सीबीआई की ओर से भेजे गए समन को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा, हम तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हों। वहीं तेजस्वी के वकील ने कहा कि जांच के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है सीबीआई। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार हो चुकी है और इस महीने के आखिरी में कोर्ट में दाखिल की जाएगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बहुत सारी चीजें सामने आएगी, अभी जांच का खुलासा नहीं किया जा सकता। बता दें कि सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव को एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार समन भेजकर राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए थे। इसी बीच इस वक्त की अहम खबर आ रही है पटना से, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन।